नमस्कार बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की नेक्स्ट क्लास इन्वेस्टिगो की। जैसे कि मैं आपको इस सामने पहले क्वेश्चन नंबर 11 लिख देता हूँ, क्योंकि 10 तक के तो हमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए थे सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब बच्चों, इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे कर सकते हो आप? पहले तो ये देखो, टेन इनवर्स 1, ये तो मुझे डायरेक्ट पता है कि भाई 1 जो है, टेन की वैल्यू 1 कहां पर होती है? पाई बाय 4 पे। तो मैं तो इसको फटाक से लिख दूंगा। लेकिन बच्चों, मैं माइनस 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 वाले में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो हम एक काम करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे कंसीडर कंसीडर कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/2 बराबर एक्स। कॉस इनवर्स को उठा के वहां ले जाओगे, कॉस एक्स बन जाएगा माइनस 1/2। हाँ जी, कॉस की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है बताओ? 60 पे। 60 बोले तो पाई बाय 3, अंदर ले जाओ माइनस को, तो ये बन जाएगा कॉस माइनस का पाई बाय 3। एक तरह से ये लेके चल लो, ठीक है। लेकिन आपको तो पता है, आपको मैं एक रूल बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि जब कॉस का एंगल ये माइनस में होता है ना, तो पाई माइनस करते हैं इसमें से, ठीक है। तो आप ऐसा करो, या तो, और अगर पाई माइनस नहीं भी करना ना, तो आपको क्वाड्रेंट के बारे में मैंने 11th क्लास में सिखाया है। क्या सिखाया है? कि बच्चे कॉस की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि इस माइनस का मतलब नेगेटिव एंगल होता है, कि भाई हाँ कहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होती है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बताइए, अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज जैसे हम चलाते हैं, तो पहले कौन सा क्वाड्रेंट आता है? सेकंड। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है प्यारे बच्चों, तो इसको किस में से माइनस करेंगे? पाई में से माइनस। अब ये मत कहना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वाले माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस माइनस का मतलब है कि ये वैल्यू माइनस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? कॉस 3 एकम 3 और 1 भाई माइनस 2π/3, ठीक है। क्या बन जाएगा? 2π/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स की वैल्यू आई वो 2π/3 आई। वो क्या आई वैल्यू भाई? 2π/3 आई। तो हमें एक्स की वैल्यू तो भाई मिल चुकी है, हमें एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, यानी एक्स किसके बराबर हुआ? 2π/3 के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ? 2π/3 के, ठीक है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करना है। तो भाई आपको ये जब, यानी ये माइनस 1/2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 2π/3 के होगा। इसी तरीके से बच्चों, आपको यहाँ पे भी कंसीडर कर लेना है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 किसके बराबर है? वाई के। साइन को उठा के वहां ले जाओ, तो साइन वाई माइनस का 1/2, ये भी आपको पता है 1/2 कितने पे होता है? 30 पे। तो साइन पाई बाय 6 माइनस अंदर ले जाओगे, तो ये बन जाएगा साइन माइनस का पाई बाय 6, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है? आपको पता है कि भाई साइन की वैल्यू माइनस में, तो कहां कहां पर होती है? एक होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में कैसे जाएंगे बच्चों? आपको अच्छे से पता है, थर्ड में जाने का तरीका क्या है? पाई में प्लस कर दो। क्या कर दो? पाई में प्लस कर दो। तो जब आप पाई में प्लस करोगे, तो ये बन जाएगा साइन 7π/6। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? 7π/6। और आपको पता ये y किसके बराबर है? साइन इनवर्स 1/2 के बराबर। x किसके बराबर है? कॉस इनवर्स 1/2 के बराबर। तो बस बात खत्म। हाँ जी, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू 2π/3, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 7π/6। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि वाई किसके बराबर है? साइन इनवर्स वाई के। और एक्स किसके बराबर है? कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/2 के। तो लो जी, एलसीएम आ गया 12। कटेगा 3π, कटेगा 4 दुनी 8π, कटेगा 4 दुनी 14। 14 और 11 कितने होते हैं बच्चों? 25। तो 25π/12 आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा इसका? 25π/12। तो देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से करना था आपको, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन और कराता हूँ फिर। वैसे अगला क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो, ठीक है। 12वां क्वेश्चन भी कर सकते हो, हाँ हो जाएगा तुमसे। चलो फिर आज फॉर्मूलों का खेल खेलते हैं, ठीक है। फॉर्मूलों का खेल खेलते हैं, इसे नोट करो 11वें क्वेश्चन को। अब आप समझ गए होगे कि इस टाइप के भी अगर क्वेश्चन आ जाए, तो नॉर्मली वही काम करना है जो हमने भी लास्ट क्लासेज में की है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज कर ली होगी, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, बहुत सारे फॉर्मूला लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। उसे आपको अच्छे से मेमोराइज करना है और साथ में रिकॉल करना है, क्योंकि आप 11th में ये सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नया नहीं है जिसमें आप लोगों को कोई नई बात सिखाई जाए, ठीक है। बस नई बात यही है आपके लिए कि अभी फिलहाल
अभी फिलहाल कुछ दिनों तक आपके सामने सिर्फ फॉर्मूले चलेंगे, ठीक है? फॉर्मूले क्या है तो देखो जरा, बता देता हूं। हाँ जी, तो सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूं, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स। तो क्या होगा, देखो जब इनवर्स से साइन ऐसे कटता है यहां पर आता है एक्स, ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया कि हाँ भाई साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो गया, कि भाई साइन इनवर्स वाले से साइन एक्स साइन कट जाएगा तो एक्स बच जाएगा, ये हम कहते हैं। बाकी इसकी वैल्यू यही होती है कि जब भी साइन इनवर्स साइन एक्स के साथ है तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है? क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और इसकी कंडीशन भी होती है कि जो एक्स होगा ना वो ऑलवेज क्या होगा भाई, वन से छोटा या वन के बराबर। मोड एक्स जो होगा वो क्या होगा, हमेशा वन से छोटा या वन के बराबर, ठीक है? अगला क्या है, अगला है सेकंड है कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो इसका भी एक्स होगा और इसके लिए भी सेम कंटेंट है, ठीक है? अच्छा, थर्ड क्या है, टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, तो इसका भी क्या बनेगा, इसका बनेगा एक्स। और आपको तो पता ही अच्छे से कि भाई ये टेन में तो ऑल रियल नंबर बिलोंग करते हैं, तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं, ठीक है? और फोर्थ क्या है आपका, कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो ये भी क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा, ठीक है? और ये भी पता है आपको, ऑल रियल नंबर। फिफ्थ, फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, सेक इनवर्स सेक एक्स, ठीक है, ये बराबर एक्स। लेकिन देखो कॉस इनवर्स क्या है, वन से छोटा वन के बराबर, लेकिन सेक तो उसका उल्टा होता है ना, तो उल्टा का मतलब क्या हुआ, वन से बड़ा या वन के बराबर। छठा भाई कॉसेक, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, तो क्या बनेगा, एक्स, और इसका भी सेम केस रहेगा, इसका भी सेम केस रहेगा। तो बच्चों ये आपको पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो ये आपको याद करने हैं, ठीक है? ठीक, अब कुछ और फॉर्मूले बता रहा हूं वो भी देख लो, अब कुछ और फॉर्मूले बता देता हूँ वो भी देख लो। हाँ, तो इनके इनकी रेंज तो हमने पहले ही बता दी है, रेंज तो पहले ही बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है? ये और देख लो फटाफट, क्या बच्चों कुछ फॉर्मूले और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉर्मूले और लिख रहा हूँ यहाँ पे, देख लो। जैसे ये देखो, साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स किसके बराबर होता है, सॉरी माइनस का साइन इनवर्स एक्स के, किसके बराबर होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? सेकंड देखो, सेकंड देखो टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये क्या होगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। थर्ड देखो, थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा आपका कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। ये बात ध्यान रखना कि साइन का माइनस एक्स माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है, टेन का माइनस एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स होता है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। लेकिन अगर ये बनता है, अगर ये बनता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, क्या बनता है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि अभी अभी बताया मैंने कि क्यों होता है ये, क्योंकि बच्चों इसके जो नेगेटिव होता है वो या तो थर्ड में होता है, वो या तो थर्ड में होता है या तो सेकंड में, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चले जाते हैं। फिफ्थ इसी तरह सेक एक्स का भी होता है, ठीक है, या कॉट एक्स का, कॉट इनवर्स वाले का भी यही होता है, पाई में से माइनस करते हैं इसको, ठीक है? और सेक इनवर्स एक्स का भी यही होता है, ठीक है, पाई में से माइनस करते हैं सेक इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत, ठीक है? बाकी रूल यही सारे फॉलो करेंगे ये, क्योंकि ये तो पहले रेंज तो हमने पहले ही पढ़ ली है, तो इसमें कुछ नया नहीं है रेंज में, ठीक है? अच्छा, अब कुछ और बेसिक टर्म्स देख लो, ठीक है? ये सारे फॉर्मूले बहुत काम आएंगे, ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से देख लो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, अब एक बात और समझाना चाहूंगा तुम लोगों को, एक बात तो पता ही है कि बच्चों कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, और साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। तो क्या मैं कॉसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ? तो बच्चों बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि बच्चों देखो अब तक हमने जो काम किया था ना, वह हमने 11th तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसमें हम क्या फाइंड करते थे, वैल्यू। लेकिन अब हम लोगों को यहाँ 12th में इनवर्स ट्रिगो पढ़ना है, तो इनवर्स ट्रिगो का मतलब क्या है, वैल्यू से। अभी तक हमने जितने भी काम किए क्या किया हमने, वैल्यू से एंगल निकाला है, हमने क्या निकाला है, साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 क्या थी, वैल्यू थी, और वैल्यू से हमने पता किया कि आखिरकार ये 1/2 वैल्यू साइन में कहां पर आती है, तो आपने तुरंत बोल दिया भाई 30 डिग्री पे आती है। तो आपने क्या किया, आपने वैल्यू से एंगल निकाला, आपने
वैल्यू से एंगल निकाला, और जबकि अब हम क्या कर रहे हैं, अब यानी सॉरी पहले हम क्या करते थे, एंगल से वैल्यू निकालते थे, और अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू से एंगल निकाल रहे हैं। तो याद रखना बच्चों, जिस तरह साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो उसी तरीके से यहां पे कॉसेक इनवर्स एक्स का उल्टा साइन इनवर्स वन बाय एक्स होता है, ठीक है। और देख सकते हैं, और फॉर्मूला लिखवा देता हूं, जैसे सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स वन बाय एक्स, कोई दिक्कत, ठीक है। और क्या होगा, और बता देता हूं, कॉट का, कॉट का देख लो, कॉट इनवर्स एक्स का। तो इसके ना दो बन सकते हैं, एक तो यही है टेन इनवर्स वन बाय एक्स, एक तो यही है क्या टेन इनवर्स वन बाय एक्स, और एक और हो सकता है इसका, लेकिन इसके लिए ना एक कंडीशन है। इसके लिए क्या है, एक कंडीशन है, क्या ये वैल्यू तभी होगी जब एक्स ना जीरो से बड़ा होगा, जब एक्स क्या होगा जीरो से बड़ा होगा, लेकिन अगर जीरो से छोटा आ जाता है तो इसकी वैल्यू होगी पाई प्लस में टेन इनवर्स वन बाय एक्स। ये तब की वैल्यू है जब भाई एक्स क्या होगा, जल्दी बता दो, एक्स जब जीरो से छोटा होगा तब वैल्यू क्या लेंगे हम, पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाय एक्स। तो ये फॉर्मूले उतार लो फिर जल्दी, चलो और लिखवा देता हूं, हाथों हाथ खत्म करते चलते हैं यार, टाइम नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूले पढ़ लिए, तो देखो पहले तो रिवाइज कर लो एक बार फटाफट, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। भाई साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। भाई इन तीन का क्या होता है अलग, क्यों पाई में से माइनस का करके करना पड़ता है, रीजन क्योंकि बच्चों जिन क्वाड्रेंट में ये सब पॉजिटिव होते हैं उन क्वाड्रेंट में ये सारे नेगेटिव होते हैं, और इन सबको नेगेटिव पहुंचाने का तरीका क्या होता है कि पाई में से माइनस कर दो, ठीक है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसी तरह जैसे कि हमें उल्टा रिलेशन पता था साइन का उल्टा कॉसेक, तो बस यहां पे हम वैल्यू की जगह अब एंगल पता कर रहे हैं, तो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा साइन इनवर्स वन बाय एक्स, सेक इनवर्स एक्स क्या होगा कॉस इनवर्स वन बाय एक्स, लेकिन कॉट इनवर्स एक्स की दो वैल्यू होगी, एक तो टेन इनवर्स वन बाय एक्स और एक पाई प्लस में टेन इनवर्स वन बाय एक्स, रीजन या एक बार एक्स की वैल्यू जब जीरो से बड़ी हो और एक बार जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो, ठीक है। चलिए अब कुछ फॉर्मूलों के लिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूलों के लिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय टू के, ये याद कर लो अच्छी तरीके से, ट्वेल्थ में आपको इंटीग्रेशन वगैरह सब में काम आएंगे ये, क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके होता है पाई बाय टू के होता है। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है पाई बाय टू के होता है। इसी प्रकार क्या रह गया सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो ये तीन तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, यही तीन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को, मैंने फॉर्मूले लिखवाना शुरू कर दिए हैं आप लोगों को। चलिए अब कुछ और नए फॉर्मूले बच्चों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, ऐसे सिचुएशन में आपके पास दो फॉर्मूले बनेंगे, एक फॉर्मूला बनेगा ये टेन इनवर्स क्या बनेगा एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। देखो अगर गौर से देखोगे तो क्या ये आपको टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग टेन का यूज सबके साथ करते थे, इस बार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों आपको अच्छे से पता है हम लोग वैल्यू से एंगल निकाल रहे हैं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं वैल्यू से एंगल निकाल रहे हैं, इस वजह से हम लोगों ने टेन को बाहर रख के फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। बस अपने माइंड को ऐसा बना के रखो, फॉर्मूले आप वही सारे पढ़ रहे हो, फॉर्मूले आप लोग वही पुराने पढ़ रहे हो, बस उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है, क्यों, क्योंकि अब हम लोग वैल्यू से कहां जा रहे हैं एंगल की तरफ, इसलिए। अच्छा ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब एक्स वाई की वैल्यू वन से छोटी हो, क्योंकि वन से ज्यादा होगी तब तो यहां गड़बड़ हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ वैसे अगर वन से ज्यादा होता है
अगर वन से ज्यादा होता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए भाई? आपको पता है ऐसी सिचुएशन में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में कुछ नहीं होगा, बस पाई प्लस में सेम यही एंगल, पाई प्लस में सेम यही एंगल, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में ये होगा, ठीक है? और इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें आप एक काम करेंगे, इसमें सारी चीज, इसमें तो क्या होगा आपको पता ही है, इसमें एक्स वाई जो होगा वो वन से क्या होगा, बड़ा, और जब वन से बड़ा होगा तो पता ही है आपको पाई में ऐड करके हम काम निकाल लेंगे, क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है? चलो अब कुछ और फॉर्मूले, हाँ जी कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। चलो हाँ एक देखते हैं, ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, हाँ जी, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होगा? अरे यही सेम फॉर्मूला होगा, बस रूप रंग क्या चेंज होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई की जगह एक्स माइनस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स वाई आ गया, और इसका कोई दो रूल नहीं होता, इसका एक ही रूल होता है, ठीक है? फटाफट नोट करो फिर आगे बताता हूं, फटाफट नोट करो, वीडियो पॉज करो और नोट करो, जल्दी 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 नोट करो। आज ही देखो बहुत सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा आपको मैं, उसके बाद तो कोई सा भी आ जाए आपके सामने क्वेश्चन, खटिया खड़ी कर देना उसकी, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा, यहीं पे प्रैक्टिस कर लोगे काफी अच्छी, बतेरी प्रैक्टिस करा दूंगा यहीं। चलो देखो जरा, हाँ जी क्वेश्चन नंबर, वो सॉरी, अब फॉर्मूला आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अपने लिखते रहना इन फॉर्मूलों को, ठीक है, साथ ही साथ। ठीक है अब देखो आगे के फॉर्मूले देखो, हाँ जी, अब हाँ जी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो मेरे हिसाब से तो बिना सोचे समझे तुरंत लिख दो, 2 tan इनवर्स x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2 tan इनवर्स x के। जी कैसे पता चला? तो याद करो, वो दिन याद करो भाई, साइन 2x का फॉर्मूला याद है, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x हुआ करता था किसी जमाने में, जब आप लोग 11th क्लास में थे, याद आया? साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो सॉरी टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, ये 11th क्लास में पढ़ा था हमने, है हाँ जी, तो यही पढ़ा था ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं साइन के साथ ये पूरा कंटेंट x मान के यहां पे रख देता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है यार, x की जगह पे अगर मैं टेन एक्स रखता हूं, x की जगह पे अगर मैं टेन एक्स रखता हूं, तो क्या ये 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x बनेगा? और भाई जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कि क्या 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर बनेगा? साइन 2x के, साइन 2x, साइन इनवर्स से साइन 2x कटेगा और आपके सामने क्या आ जाएगा, चाहे तो देखो मैं पुट करके दिखाता हूं। अब आप पता क्या करो, यहां पे ना लेट कर लो, क्या लेट कर लो, कि x बराबर किसके है, टेन इनवर्स एक्स के, ऐसे लेट कर लो, सॉरी टेन इनवर्स बोल रहा हूँ, टेन एक्स के बराबर है, ऐसे लेट कर लो। चलो भाई पुट करके देखो, देखो मैं आपको बकायदा फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ कि ये यहाँ से कैसे बना, ठीक है? 2 x की जगह पे टेन एक्स, 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, ये बन गया फॉर्मूला। अब जल्दी से बता दो, फॉर्मूले में क्या सीखा हमने, कि 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, साइन 2x के। और अभी अभी हमने सीखा कि साइन इनवर्स साइन x किसके बराबर होता है, x के, तो x कितना है 2x, तो यहां पर आ गया 2x, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है? तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ओहो सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, यहां x तो पहले से ही लेट किया हुआ ना, लेट x बराबर, ठीक है, लेट x बराबर, तो ये टेन वाई मान लो, क्या मान लो, y, y, यहां y, यहां y, तो y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, ये कौन है, टेन वाई, तो जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो टेन तो वहां जाके क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x बन जाएगा, और यहां क्या रह जाएगा, y, तो y की जगह पे आप क्या पुट करोगे, जल्दी बोलो,
वाई की जगह पे आप पुट करोगे टेन इनवर्स एक्स। तो देखो समझ में आया कि ये आखिरकार ये कैसे बना, ये फॉर्मूला आखिर ये कैसे बना। तो बस सिंपल क्या किया हमने, इस एक्स की जगह पे टेन वाई पुट कर दिया, इस एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया टेन वाई, तो टू टेन वाई वन प्लस टेन स्क्वायर वाई। अच्छा इस फॉर्मूले के तहत हम ये बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, तो हमने बना दिया साइन टू वाई। और अभी हमने बिल्कुल शुरुआत में फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स, साइन कट जाता है पूरा एंगल आ गया टू वाई, वाई की वैल्यू हमने यहां से निकाली, टेन उठा के वहां ले जाएंगे टेन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो यानी क्या आ गया टू टेन इनवर्स एक्स। देखो फॉर्मूला बनता हुआ दिख गया, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, अभी इसी के साथ साथ और फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो देखो अब और भी फॉर्मूले, इसी तरीके से, इसी तरीके से और भी फॉर्मूले हैं प्यारे बच्चों। जैसे एक और फॉर्मूला देखो, ये तो अच्छे से याद होगा आपको, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, याद होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये भी किसके बराबर होता है, ये भी टू टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। नहीं विश्वास है तो आप एक्स की जगह पे टेन वाई पुट करके देख लो, आपके सामने यही आंसर आएगा, ठीक है। एक और बता देता हूं, हाँ भाई, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी टू टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। नहीं विश्वास है, एक्स की जगह पे टेन वाई पुट करके देख लो, आपका पता चल जाएगा। जैसे मैंने इसका कराया वैसे इन दोनों का भी चेक करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब कुछ और फॉर्मूले आते हैं, जैसे टेन इनवर्स वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। तो देखो अगर आप यहां पे साइन वाई पुट करके देख लेना, यहां पे साइन वाई पुट करके देख लेना, चलो मैं पुट करके दिखाता हूं आपको, पुट करो एक्स की जगह पे साइन वाई पुट करो, देखना क्या आएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। टेन इनवर्स वन अपॉन में अंडर रूट, हाँ भाई वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर वाई, अरे हाँ कि ना, इससे कट गया टेन इनवर्स, तो वन अपॉन कॉस वाई क्या बन जाएगा, ये तो सेक वाई बन गया, वन अपॉन में कॉस वाई क्या बन गया, सेक वाई बन गया, ठीक है। वन अपॉन में कॉस वाई क्या बन गया, सेक वाई, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, ओ सॉरी 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 बच्चे, यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ वन नहीं आएगा यहाँ एक्स आएगा, वही मैं कहूँ क्या गड़बड़ होगी, ठीक है। अब हो जाएगा, देखो अब एक्स की जगह पे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साइन वाई, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साइन वाई, ठीक है। तो अब देखो साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या बन जाएगा, टेन वाई, हाँ कि ना, टेन से टेन कट गया, वाई, वाई की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या बन जाएगा भाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। तो भाई वाई की जगह पे क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स, क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। कोई समस्या। इसी तरीके से अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, इसी को अगर मैं उल्टा कर देता हूं, मतलब ऐसे लिख दूं टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बता दो किसके बराबर हो जाएगा, ये तब ये बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स के, किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स के, ठीक है। कैसे करेंगे इसमें देख लो, चाहे तो पुट करके देख लो, कॉस की वैल्यू पुट करना इसमें, किसकी वैल्यू पुट करो, कॉस की वैल्यू पुट करो, देखो कॉस की, ये यहां पर ये साइन वाला था ना, यहां पे कॉस पुट करके देखो, एक्स पुट करो कॉस वाई पुट, ठीक है। तो क्या बनेगा देखना, टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और एक्स की जगह पे क्या, कॉस वाई, ठीक है। तो टेन इनवर्स ये क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, ये बन जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर वाई अपॉन कॉस वाई, ठीक है। स्क्वायर से ये कट गया, तो क्या बन गया, टेन इनवर्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई, तो क्या बन जाएगा, टेन वाई, ठीक है। टेन से टेन कट गया, वाई, वाई की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या बन गया, कॉस इनवर्स एक्स, आ गया कि नहीं आ गया। तो बस इस तरीके से प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, जबकि टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर किसके होता है, कॉस इनवर्स एक्स के, ठीक है। जल्दी से नोट करो, इसको नोट कर लो, फिर हटाता हूँ इसको मैं, फिर और फॉर्मूले दिखाता हूँ। ठीक है, चलो ये उतार लिया होगा,
ये उतार लिया होगा। अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूं जो जो आपको चार नंबर वाले क्वेश्चनों में कई बार जरूरत पड़ सकती है इसकी, ठीक है? तो देखो क्या है फॉर्मूले, वो फॉर्मूला है कि बच्चे साइन इनवर्स एक्स और किसके बराबर हो सकता है। अरे यार एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों ने ये सीखा है ना, क्या सीखा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता है, वन के। तो जब तुम लोग साइन एक्स की वैल्यू निकालते तो क्या करते थे, कॉस को उठा के वहां ले जाते थे और स्क्वायर को वहां, तो अंडर रूट बन जाता था, ऐसा बनता था कि नहीं? तो बस बात खत्म यार, हम तो वैल्यू से एंगल निकाल रहे हैं ना। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या मैं, साइन इनवर्स एक्स को क्या मैं कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता? देखो देखने में बिल्कुल वैसा ही तो लग रहा है, देखने में बिल्कुल वैसा ही तो लग रहा है। तो वही चीज है बच्चों, उसी आइडेंटिटी से ये फॉर्मूला बनाया गया है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो गया भाई अचानक से, ठीक है? और देख सकते हो जैसे इसी तरीके से अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स का निकालू तब भी ऐसे ही निकलेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है? इसी तरीके से अगर मान लो आपको ये लिख के दे दिया साइन इनवर्स कॉस एक्स, या लिख के दे दिया कॉस इनवर्स साइन एक्स, तो जानते हो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? जानते हो? अरे भाई इन दोनों का रिलेशन आपस में यही तो है, इन दोनों का रिलेशन आपस में यही तो है। कैसे? अरे देखो यार, अगर मैं इस साइन इनवर्स एक्स को उठा के वहां ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, ये जल्दी बताना। देखो अब ध्यान से देखना क्या बना रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स को उठा के वहां ले जाऊंगा तो साइन एक्स बन जाएगी कि नहीं बन जाएगा? अच्छा कॉस इनवर्स एक्स को उठा के वहां ले जाऊंगा तो कॉस एक्स बन जाएगी कि नहीं बन जाएगा? तो मतलब सेम चीज रहेगी, अगर कॉस इनवर्स को उठा के यहाँ लाओगे तो कॉस एक्स, साइन इनवर्स को उठा के यहाँ पे लाओगे तो साइन एक्स, तो लास्ट में बचेगा क्या, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखना बच्चों कि साइन इनवर्स कॉस एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स साइन एक्स के, और जो कि वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले एक ही चीज से लिंक है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से आते बड़े अच्छे अच्छे फॉर्मूले, ठीक है? यहां से बड़े बेहतरीन फॉर्मूले कराऊंगा, इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लो इसको फटाफट, इसको नोट कर लो। आज फॉर्मूले फॉर्मूले कराऊंगा ताकि आप लोग पूरे तरीके से फॉर्मूले लर्न कर लें, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा, तगड़े तगड़े क्वेश्चन। ठीक है चलो देखो फिर फटाफट। अब देखो अगर मैं आपको कहूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले बाहर लगाओ साइन इनवर्स, बाहर क्या लगाओ, साइन इनवर्स लगा लिया भाई। उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं, एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस फिर वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बस इतना सा करना है, काम खत्म, ठीक है? कैसे? देखो एक बार इसका एंगल लेना है और इस वाले का कॉस तक पहुंचना है। अरे याद होगा आपको यार, कॉस ए कॉस, ये साइन ए प्लस साइन बी का, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ मुझे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है ना? तो यानी अगर एक साइन वाला है तो दूसरा कॉस वाला बनाओ, अगर एक कॉस वाला तो दूसरा साइन वाला बनाओ, ऐसा ही था ना? तो बस हमने बना दिया, ये देखो ये दोनों साइन वाले हैं ही, हमें कॉस वाला बनाना है। तो एक्स का कॉस वाला कौन बनेगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और वाई का कॉस वाला कौन बनेगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस इतना सा करना था, और यही चीज अगर ऐसे बन जाए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो मेरे प्यारे बच्चों सेम चीज रहेगी, सेम चीज रहेगी, बस बीच में प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। कोई नया खेल हमने नहीं खेला है, ठीक है? चलो और फॉर्मूले देखो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो आप इसको अच्छे से जानते हो कि इसका फॉर्मूला कॉस से ही खुलेगा, इसका फॉर्मूला कॉस से ही खुलेगा, और आप अच्छे से जानते हो कि इसका फॉर्मूला खुलता कैसे था, पहले दोनों कॉस के फिर दोनों साइन के, याद है भाई, याद है? अगर याद होगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस ए प्लस बी, तो फॉर्मूला होता था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो बस हाँ भाई, एक्स और वाई कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस के दोनों कौन है, एक्स वाई, तो एक्स वाई। हाँ भाई जब बीच में प्लस होता था माइनस आता था, तो भाई एक्स का साइन वाला कौन होगा, ये होगा, वाई का साइन वाला कौन होगा, ये होगा, आंसर खत्म, ठीक है? इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, अब जल्दी बता दो फिर से वही कॉस इनवर्स। हाँ भाई कॉस इनवर्स कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही होता था। तो भाई कॉस के दोनों एंगल कौन है, एक्स वाई,
लो जी, प्लस एक्स का साइन वाला क्या होगा, वन वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई का साइन वाला क्या होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर। आपके सामने आपका फॉर्मूला तैयार, देख रहे हो कुछ भी है? बस बच्चे घबरा जाते हैं, अरे सर कैसे करें, ये करें वो करें। अरे भाई जो आपने 11th में फॉर्मूले पढ़े थे ना, वही सारे फॉर्मूले, बस थोड़े अलग ढंग से ट्विस्ट करके लिख दिए गए हैं, और कुछ नया नहीं है, ठीक है। और देखो साइन इनवर्स 3x, साइन सॉरी सॉरी साइन इनवर्स 3x नहीं, 3 साइन इनवर्स x, ये बनेगा ना फॉर्मूला 3 साइन इनवर्स x, इसका क्या होगा रूल? अरे तो वही रूल होगा यार, अगर आपने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, याद आया, यही होता है ना, तो बस बात खत्म। तो क्या बन जाएगा इसका, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, खत्म हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x का, इसका क्या होगा, कॉस इनवर्स, हाँ भाई 4x का क्यूब माइनस 3x, खत्म, ठीक है। इसी तरीके से 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होगा टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन क्या बनेगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर, खत्म। इतने से फॉर्मूले, ठीक है, तो बस इतने से फॉर्मूले आप लोग पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद आपको मैं इनवर्स ट्रिगो का कोई फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, इसी से मैं अब आपका ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन है इसी फॉर्मूलों से मैं खत्म करा दूंगा, सारे सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे क्वेश्चन मैं इन्हीं फॉर्मूलों से खत्म करा दूंगा। तो आज की क्लास में आपके लिए सिर्फ फॉर्मूलों के लिए कराया था, ठीक है, और कुछ कुछ मैंने डिराइव करके दिखा दिए, इन्हें भी ड्राइव करके दिखाऊंगा, ये मैं सोचना कि इन्हें ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा, इन्हें भी ड्राइव करके दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट क्लास से आपका 3.2 और मिसलेनियस शुरू करूंगा, और मान लो विद इन टू क्लास और मान लो, और थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हाथों हाथ लेके चलूंगा ML अग्रवाल से, ठीक है, तो 2 से 3 क्लासों में आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा, डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन तो नहीं, ये कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स, बहुत प्यारा चैप्टर होगा वो भी, लेकिन पहले इसको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्लास तक आप सभी बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ लेंगे, और जो बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, 12th क्लास मैं कई बच्चों को रोते हुए देखा है, कब, जब वो अपनी ईमानदारी से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब फिर कहते हैं कि एग्जाम आ गए सर पे, कुछ नहीं पढ़ा है, और दोस्तों को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसा काम मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, डेली 1 घंटे पढ़िए, देख लीजिए, मैं ज्यादा फालतू टाइम नहीं मांग रहा हूं आपसे, सिर्फ डेली 1 घंटे, और ये डेली 1 घंटे ना आपको 100 मार्क्स के, बस ये समझ ले, 1 कदम पीछे रखेगी, जो कि आपका बोर्ड का पेपर है, ठीक है। डेली 1 घंटे आपको 100 मार्क्स के बिल्कुल करीब लाएगी, और बोर्ड के पेपर में अगर आपने बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ अगर आपने अपना कलम वहां चला दिया, तो 100 मार्क्स आपसे फिर कुछ भी नहीं, आपके आपसे ज्यादा दूर नहीं रहेगा, बस आपको बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार करना होगा, और आप मार्कशीट पे 100 मार्क्स देख लोगे खुद ही, ठीक है। और ये हर कोई बच्चा कर सकता है, ये नहीं कि मैं पढ़ने में कमजोर हूं, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो एवरेज है, हर बच्चा कर सकता है, बस उसके प्रैक्टिस और उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, तो मैं इस बात की सियोरिटी देता हूं आपको कि भगवान भी आपके साथ रहेगा, मैं भी आपके साथ रहूंगा, और आपके सारे दोस्त, आपके सारे फैमिली वाले सब आप पे प्राउड करेंगे कि हाँ जी इन्होंने कुछ करके दिखाया है, ठीक है। तो प्लीज भाई सभी बिल्कुल भगवान का नाम लीजिए, ठीक है, और इसे शुरू कीजिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है बच्चों, आपके भले के लिए बोला जा रहा है, देख लीजिए आपके सामने बहुत बड़े संकट आया हुआ है, और इस संकट से जूझने के लिए बस ये चंद फॉर्मूले याद करने हैं और अप्लाई करने हैं, और आप विजेता घोषित, ठीक है। तो जल्दी से इसका खत्म कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आऊंगा।